नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि जो CPM पार्क के जो प्रॉब्लम है MSBT के IQ में, तो उसके बारे में ये वीडियो है। तो पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, फ्रॉम द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम फर्स्ट एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ, कैलकुलेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो डायग्राम है नेटवर्क डायग्राम वो ड्रॉ करना पड़ेगा। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो दिया है ऑपरेशन है, ये प्री ऑपरेशन और ये है ड्यूरेशन। ठीक है, पहले कौन सा ऑपरेशन ये है, उसका प्री ऑपरेशन कोई भी नहीं है, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 2 दिन का है। फिर बी है, बी का जो प्री ऑपरेशन है वो ए है, उसका ड्यूरेशन 3 दिन का है। तो इससे क्या करेंगे, अपन पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है आपका, ठीक है, ये 1 है, 1 से लेके मैं क्या किया 2 तक गया, ये मेरा ए प्रोजेक्ट था, ऑपरेशन था, इसका ड्यूरेशन क्या था, 2 दिन का था। ठीक है, फिर उसके बाद बी है, ऑपरेशन बी है, लेकिन उसके पहले प्री ऑपरेशन कौन सा है, ये है, तो ये मेरा बी हो गया, इसके पहले प्री ऑपरेशन कौन सा हो गया, मेरा ए हो गया, और इसको ड्यूरेशन कितना लगा मुझे, 3 दिन का लगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन है सी, लेकिन उसके पहले ऑपरेशन कौन सा है, मेरा ए ऑपरेशन है, सी के पहले कौन सा ऑपरेशन है, ए ऑपरेशन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक तीसरा ये करना पड़ेगा, ये सी है मेरा, सी से पहले प्री ऑपरेशन कौन सा हुआ, मेरा ए हुआ, और सी का ड्यूरेशन कितना हुआ, 3 दिन का हुआ। ठीक है, फिर डी है, डी के पहले कौन सा ऑपरेशन है, ई है, सॉरी डी के पहले कौन सा ऑपरेशन है, एक्चुअली डी के पहले ऑपरेशन कौन सा है, बी है, डी के पहले ये 5th नंबर हुआ, ये डी हुआ मेरा, डी से पहले कौन सा ऑपरेशन हुआ, बी हुआ, और डी का ड्यूरेशन कितना है, 4 दिन का है। ठीक है, फिर ई है, ई से पहले कौन सा ऑपरेशन है, ई से पहले सी का ऑपरेशन है, ये 6 नंबर हुआ, ये ई हुआ, और ई से पहले सी भी हुआ, और इसका ड्यूरेशन कितना था, 3 दिन का था। लेकिन ये लास्ट है एफ, एफ से पहले कौन से 2 ऑपरेशन है, ई और डी ऑपरेशन है, मतलब मेरा ये जो एफ आने वाला है, एफ अभी यहाँ से ये होगा, मेरे एफ से पहले दोनों भी ऑपरेशन आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एक जगह पे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो क्या होगा, मेरा एफ आएगा। मतलब मेरी डायग्राम देखो अभी कैसी होगी, ये फर्स्ट है, फर्स्ट हुआ ए हुआ मेरा, 2 मिनट, अभी देखिए ए है, ए के पहले कोई भी ऑपरेशन नहीं है, तो ये है ए के पहले कोई भी ऑपरेशन नहीं, ए को ड्यूरेशन था 2 दिन का। फिर उसके बाद बी था, बी से पहले कौन सा ऑपरेशन था, ए था, ये मेरा बी हुआ, बी का ड्यूरेशन था 3 दिन का। ठीक है, फिर उसके बाद सी था, सी के पहले ऑपरेशन कौन सा था, ए था, ये मेरा 3 हुआ, ये 4th हुआ, ये क्या था, सी, सी का ड्यूरेशन कितना था, 3 दिन का था। ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से एक ही ये लेना पड़ेगा, क्यों देख बताता हूँ मैं। देखो डी से पहले कौन सा ऑपरेशन है, बी है, ये डी से पहले बी हुआ, डी के ड्यूरेशन क्या था, 4 दिन का था, और ई से पहले क्या था, सी था, ये ई हुआ, ई से पहले मेरा सी हुआ, ई का ड्यूरेशन कितना था, 3 दिन का था, और अभी मेरा जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगा, अभी मेरा ये जो एफ है, एफ को ड्यूरेशन कितना है, 4 दिन का है, लेकिन ये कंडीशन क्या है, प्री ऑपरेशन कौन से है, डी भी है और ई भी है, अभी ये दोनों एफ से पहले ये दोनों भी आ रहे हैं, मतलब अभी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो अभी ये तो पहला सॉल्व हो गया, कंस्ट्रक्ट ये जो पहला जो था ये कंस्ट्रक्ट वाला, ये कंप्लीट हो गया। अभी इसका क्रिटिकल पाथ ढूंढना है, क्रिटिकल पाथ ढूंढने के लिए क्या, अपने पास 2 पाथ है, ए बी डी एफ, अगर इसका एडिशन करोगे 2 + 3 + 4 + 4, मतलब 2 + 3 + 4 + 4 करोगे तो ये कितना आएगा, 13 आएगा,
और ये ए सी ई और एफ, ई और एफ, 2 प्लस ये 3 प्लस 3 प्लस ये 4, ये कितने होंगे 8, और ये 12। मतलब जो ज़्यादा ड्यूरेशन वाला रहता है वो आपका क्या होता है, क्रिटिकल पाथ होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।